कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। उपायुक्त छवि रंजन ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और टाइम फैक्स न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रांची वासियों को विभिन्न माध्यमों से जागरूकता किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त छवि रंजन ने समाहरणालय परिसर से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहनों के माध्यम से रांची के प्रमुख चौक, चौराहों, हाट, बाजारों आदि स्थानों में ऑडियो क्लिप, गीतों के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रचार वाहनों को रवाना करने के बाद उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है, रांचीवासी सतर्क हो जाए। उन्होंने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग करें। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि रेस्टोरेंट, हाट, बाजार, क्लब, दुकान, प्रतिष्ठान, बैंक्वेट हॉल आदि के संचालन बिना मास्क के किसी को एंट्री न दें। बिना मास्क के किसी की एंट्री या फिर दुकानदार बिना मास्क के पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर दुकान भी बंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूरी तरह कभी कम नहीं है, कभी थोड़ा सा कम है, परंतु ये कभी भी सही नहीं था कि जो अपने व्यवहार में जो परिवर्तन या अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है कोविड का, उसका अनुपालन हमेशा करते रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब केसेस कम हुए थे, जनता के बीच में ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं किया गया, जिस कारण से थोड़ा सा कोरोना का संक्रमण जो है अभी काफ़ी तीव्रता से बढ़ रहा है। और ये आवश्यक है कि अभी भी रांची के सभी निवासी जो हैं वो सतर्क हो जाए। और जो मैंने पहले भी कहा है हमेशा से कि SMS फॉर्मूला अवश्य पालन करें, और खासकर जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी बैंक्वेट हॉल्स हैं, क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, हाट बाजार हैं और मॉल्स हैं, उन सभी के संचालकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग ये सुनिश्चित करें बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दें। अगर बिना मास्क के किसी को भी आप एंट्री देते हैं या शॉपकीपर या आपके जो भी स्टाफ हो बिना मास्क के घूमते हुए पाए जाते हैं, तो जिला प्रशासन मजबूरन आप पर कानूनी कार्रवाई भी करेगा, FIR भी दर्ज होगी, आवश्यकता पड़ने पर दुकानें बंद भी करनी पड़ेगी, तो कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी हमें। मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से सभी संचालक, प्रतिष्ठानों के संचालक जो हैं वो SMS फॉर्मूला का पालन अवश्य करें और हमें जिला प्रशासन को कोरोना से लड़ने में हमें सहयोग प्रदान करें। सर, एक और